यदि इंसान अपनी मेहनत को जिस चीज पर लगा देता है तो उसकी कीमत बन जाती है। जब मेहनत की आत्मा छोड़ने लगा इंसान ने मेहनत की जमीन की पानी कर दिया। जब इंसान ने मेहनत करी एक से दूसरी इमारत तैयार कर ली थी और जब इंसान ने मेहनत की तो लड़की को पीट के एक से बढ़िया पूरी तक तैयार कर दिया। तो ये इंसान की मेहनत का नतीजा है, इंसान की मेहनत का नतीजा है। लेकिन मेहनत का रुख देखना पड़ेगा कि मेहनत कैसी है। इस मेहनत से हमारी दुनिया बन रही है या आफत बन रही है। अगर इस मेहनत के जरिए हमारी दुनिया बन रही है तो मेरे भाई बुजुर्गों ये दुनिया तो मौत को ख़त्म हो जाएगी, छूट जाएगी काम नहीं। और अगर इस मेहनत के जरिए हमारी आफत बन रही है तो हमारी दुनिया भी बन रही आफत भी बन रही। असल मेहनत है, रुख देखना, रुख क्या है। अंबिया इकराम दुनिया में जो आते थे वो इसीलिए आते थे, इंसानों का रुख सही हो जाए, दिल का यकीन सही हो जाए, इनकी अल्लाह से मार्फत ये अल्लाह से देने वाले हो जाए। हर एक नबी का रुख जो होता था इंसानों के दिलों पर मेहनत करना, इंसानों के दिल बन जाए। अगर दिल बन गया काम है, इसलिए फरमाया इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोट होता है, अगर वो बन गया सारा जिस्म बन जाता है, खास कर बिगड़ गया सारे जिसम बिगड़ गया। हर एक नदी की दावत नहीं है, हर एक इंसान का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए, अल्लाह को बन जाए, अल्लाह को मार कर फरा जाए, अल्लाह की अजमत पर आ जाए, अल्लाह की मान के नीचे जाए। इंसान की मेहनत करो देखना पड़ेगा, और जब इंसान की मेहनत करो गलत हो जाता है तो इसके अंदर जानवरों वाली सिफात आ जाती है, सांप वाली, बिच्छू वाली, शेर वाली, चीते वाली। सांप के कसने से आदमी मर जाता है, पेट नहीं होता। आज इंसान के अंदर उसे बात आ गई, क्यों मेहनत कर तो गलत है, इसने मेहनत का मैदान दुनिया बना रखा। हालांकि इंसान को इसलिए भेजा था इसका मेहनत का मैदान जो मौत के बाद की जिंदगी हो, ये दुनिया की जिंदगी तो आखिर की तैयारी की अल्लाह ने दी। मेरे बंधुओं को सहाबा इकराम ने अपनी मेहनत का मैदान आफत बनाया, आफत बनाया। उनको हमेशा 24 घंटे आफत सामने रहनी थी कि हमारी आफत बन जाए, हमारी आफत बन जाए, हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमारा खालिक हमसे राजी हो जाए, हम अल्लाह की मार्फत पर आया। 24 घंटे सहाबा के सामने कार्य कर रहता था, उनके सामने एक मकसद था कि मैं अल्लाह ने दुनिया में क्यों पैदा किया है, किस काम के लिए पैदा किया है, हमारा रुख क्या है, हर वक्त सहाबा। जब सहाबा का सरमाया मेरे दोस्त बुजुर्गों आफत पे लग गया तो उनका ईमान ऐसा परवान हुआ, ऐसा चढ़ गया कि कहते थे अगर हमारे सामने जन्नत दौलत को ला कर रख दिया जाए हमारे ईमान में जर्रा बराबर कर दिया। ये था उनके मैदान का मेहनत। हर जब मेहनत सही थी तो सारी कामयाबी कलम चूम रही थी, और जब आज उम्मत ने मेहनत को रुख चेंज कर दिया तो ये परेशान, क्या जाओ परेशान, जिस शोबे में जाओ हर आदमी परेशान नजर आता है। अगर किसी का तनाई उस पर जायज दिया जाए और उससे पूछा जा रही है क्यों करना, हर आदमी परेशान नजर आता है, हर आदमी। हम तो समझ रहे हैं आदमी बहुत खुश है, बॉडीगार्ड इसके साथ में है, सलाम इसे मिल रहे हैं, क्यों इसके गले में पड़ रहे हैं, हालांकि सबसे ज्यादा परेशान सब ज्यादा परेशान। ये दुनिया का मेहनत ऐसा होता है कि इसको आदमी को परेशानी डाल देता है, जितनी दुनिया आएगी परेशानी लेकर आएगी यकीन करना। और दुनिया से कभी किसी का पेट नहीं भरता, दुनिया की ख्वाहिशात बढ़ती रहती है, दुनिया की ख्वाहिशात। आज साइकिल है तो मोटरसाइकिल हो जाए, दो चार पहिए की आ जाए तो उसकी मॉडल चेंज करता है, आज मेरा मकान है। और आज तो दुनिया के बारे में ऐसे आदमी ने अपनी हिम्मत बना रखी है एक दूसरे से बस हसर अफसोस। हमारे यहाँ गली ऐसी है जो मकान भी बनता है 6 इंच आगे बढ़ के बनता है ताकि उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाए, तो वो गली सबसे घटते 10-12 इंच की गली है, थोड़ी सी रह गई है, वो उधर से बढ़ाता है, वो उधर से बढ़ाता है, शो ख़त्म हो जाए। शो जब किसी के मकान से 6 इंच आगे बढ़ जा रहा है तब उसका तो छुटेगी नहीं छुटेगी। आज दुनिया की ऐसी मोहब्बत है जो रुख गलत है। हालांकि इस उम्मत को अल्लाह ताला ने आफत की तैयारी के लिए भेजा था,
इस उम्मत को सारी इंसानियत के लिए हिदायत का नमूना बना देते हैं। अगर ये उम्मत दावत के काम को अपना काम बनाएगी तो अल्लाह इंसानों इसको दुनिया के अंदर इज्जत भी देंगे, चैन देंगे, सुकून देंगे, आगे देंगे, बरकत वाली जिंदगी देंगे, और सबसे बड़ी ये अपनी रजा का परवान करेंगे। जब ये उम्मत शुरू करेगी उम्मत मेहनत शुरू करेगी, हमारे सामने जो अल्लाह था जिसके सामने मंजिल होती मंजिल में पहुँच जाता है, और जिसके सामने मंजिल नहीं होती भटक कर रहता है। जिस तालिब इल्म के सामने मंजिल होती है कि मुझे किस लाइन में जाना है, वो अपनी मंजिल को हाई स्कूल से सोचता है, ना ही सोचता है मुझे किस लाइन में जाना है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, और जिसके सामने मंजिल नहीं होती सीनियरिटी बढ़ाता रहता है, भटकता बढ़ता है, मिलता कुछ नहीं होता, सीनियर मंजिल नहीं पता था क्यों सामने मंजिल नहीं है। और इस उम्र के सामने मंजिल क्या आप करें, जैसे टांगा होता है घोड़ा उसके अंदर लगा होता है, पट्टे बंधे होते हैं, क्यों होते हैं, इसलिए ताकि घोड़ा इधर उधर को न देखे, अगर उधर देखेगा तो हरियाली नजर आएगी, ये उधर ही चल जाएगा, खुद भी मरेगा और दूसरे बड़े को भी मरेगा, इसलिए वो बांध दिया जाता है। तुम्हारे सामने मंजिल जानी चाहिए, तुम्हारा स्टेशन तुम्हारे सामने, इसलिए घोड़ा अपनी स्पीड से चलता रहता है, वो उसके सामने मंजिल है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलता रहता है अपनी मंजिल पहुँचता, ये नहीं देखता कितना मशीन आया उसके सामने, ये रहता मेरे पास जो सवारी है मेरे सवार गाड़ी नहीं है, गाड़ी मुझे चाहे इतनी परेशानी हो उसके सामने मंजिल होती है मेरे को, वो परेशानी को बर्दाश्त कर लेगा, भूख प्यास को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बैठने वालों को स्टेशन पड़ेगा आगे से गाड़ी नहीं चलता, क्यों मंजिल है। और आज हमें अल्लाह ताला ने हमारी मंजिल हमें दे दी, मुस्तकीम ए इंसान, यह है तुम्हारा सीधा रास्ता, तुम्हारा भी और आइंदा आने वालों का भी, इसलिए हम तुम्हें दो काम दे रहे हैं, तुम्हें खुद भी चलना दूसरों को भी चलना। आज उम्मत अपने रास्ते को छोड़ के दुनिया में फंसी, और मेरे दोस्तों को जब यह उम्मत दावत के काम को छोड़ेगी, मंसब को छोड़ेगी, मकसद को छोड़ेगी, तो ये उम्मत जो है दुनिया की नजरों में भी गिरेगी, आप लोग भी गिरेगी। और जब ये उम्मत दावत के काम को अपना काम बनाएगी, अल्लाह ताला इसकी नाकामी को कामयाबी में बदलेंगे और जिल्लत को इज्जत में बदलेंगे, क्यों मसला तो उनका हाथ में, और दुनिया मुकद्दर की मिलेगी, मुकद्दर दादे नहीं मिलेगी, हम क्या दीन का काम करें ना करें, दीन पर चले ना चले, लेकिन मुकद्दर दादे ना काम मिलेगा ना दादे, लेकिन फर्क यह है अगर दीनदारी के साथ लेंगे, अतात के साथ लेंगे, नबी के तरीके के साथ लेंगे, नबी की फिक्रों के साथ लेंगे, सहाबा की तरतीब जानमाल को खर्च करेंगे, तो अल्लाह ताला हमारी मुकद्दर की दुनिया को प्यारे में रखकर हमें दे देगा, जैसे परिंदे को दाना दिया जाता है प्यारे में रखकर, मुर्गी को दाना रखते छोटे पेड़ भर ले, और अगर उसी दाने को पूरे इलाके में बखेरे तो वक्त लगेगा पेड़ भरने में, ऐसे ही जब आदमी दीन का काम करेगा अल्लाह ताला हमारी मुकद्दर की दुनिया को हमें प्यारे में रखकर देगा, बरकत के साथ देगा, अपनी रजा के साथ देगा, ठीक है, ये तुम्हारी मुकद्दर की सारे काम बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, लेकिन हमारे काम करो, हमारे नबी का काम करो, हमारे काम करो, इंसानों को हमसे मिलाओ, अपने मकसद को पहचानो, मेरे दोस्तों को देखो सहाबा के सामने जिंदगी का मकसद, इसलिए जब कुछ मकसद होता है उसके लिए हर नायन की कुर्बानी देना आसान हो जाता है, किसान के सामने एक मकसद होता है कि मुझे जमीन से गंदा पैदा करना, ठंड में पानी लगाता है जाता है, ठंड पता चला रात को नहर आ रही है, रात को 2 बजे सावा आ रही है, सावा क्यों कि नहर आने वाली है, ये जगह सर्दी पड़ रही है, नहीं नहीं क्यों, मेरा मकसद है अगर पानी मिल जाएगा सब फसल तैयार हो जाएगी, मेरा काम बन जाएगा, उस फसल के अंदर सारे काम नजर आ रहे हैं, शादी ब्याह मकान सब नजर आ रहा है, इसलिए तकलीफ पड़ रहा है। सहाबा के सामने आफरत थी, सहाबा के सामने आफरत की मंजिल थी, सहाबा के सामने कबर की मंजिल थी, सहाबा के सामने कुलसरा की मंजिल थी, सारे आफरत के मनादार सहाबा के सामने थे, जिसकी खबर अल्लाह ने दी थी सहाबा को, ये दुनिया की जिंदगी वस्ती है, असल आफरत है, खत्म जाना दुनिया में, इसलिए सहाबा हर वक्त सामने, उस मंजिल को हासिल करने के लिए हर तरह की सहाबा ने तकलीफ उठाई, फाके बफाके किए, बच्चों को यतीम किया, औरतों को बेवा किया, लेकिन मकसद को नहीं छोड़ा, सहाबा के सामने ताकत था, मकसद आज उम्मत मकसद को भूल गई, मेरे दोस्तों को तब को दावत के जरिए यही चीज दिलाई जा रही है, उम्मत को बार बार उंगली बजा बजा के बार बार जाना दरवाजा, ए ईमान वाले अपने मकसद को पहचान, ए ईमान वाले अपने मकसद को पहचान करना कि कितना कीमती बनाया, जब तक वो दुनिया के अंदर रहेगा कयामत नहीं आएगी, अल्लाह का निजाम ऐसे ही चलेगा, हवा चलती रहेगी, पानी बरसता रहेगा, सूरज निकलता रहेगा, जब तक तू दुनिया के अंदर रहेगा तेरा मकसद क्या है हमें राजी कर दिया है, हमारे यकीन को अपने अंदर से ला इलाहा इल्लल्लाह हमसे होता है किसी से नहीं होता, अल्लाह ही करता है, अल्लाह ही करने वाला, अल्लाह ही नहीं किया, इस यकीन को पैदा करना,
यह दावत अल्लाह के रास्ते निकल कर इतना बोलते अंदर उतर दिए। दावत जो दाई की खुराक है, अगर काम करने वाला आदमी दावत देता रहेगा इसका यकीन परवाज चढ़ेगा, इसका यकीन बढ़ता चला जाएगा, ऐसा बढ़ेगा बढ़ते बढ़ते दो रकात नमाज पढ़ के सारे मसलों का नमाज के अंदर समझेगा कि मेरे मसलों का नमाज के अंदर है। और जब ये काम करने वाला दावत के अंदर कमी बढ़ती करेगा, कमी बेशी करेगा, आगे पीछे करेगा, तो ईमान घटते घटते इतना घट जाएगा इसे इसके मसाइल से दुनिया नजर आएगी कि मेरे मसला हल किए, हालांकि नहीं। साहबा ने ईमान की मेहनत की, दो रकात नमाज पढ़ के अपने मसलों का गिरा, कितने वाक सब माशाल्लाह हमारे पुराने साथी बैठे हैं, किताबें भरी हुई है, लाइब्रेरी भरी हुई है साहबा की जिंदगी के वाक से। जब उन्होंने मकसद बनाया, दो रकात नमाज पढ़ी, मसलों हल कर लिया, मुर्दों को जिंदा करा लिया, आसमान से पानी बरस रहा है, बगैर अच्छा लगा रोटी निकलने लगी, क्या दो रकात मसलों का अल्लाह के हाथ में। और जब आदमी ईमान की मेहनत कुछ छोड़ता है, ईमान घटते घटते इतना घट जाता है, मस्जिद के सामने दुकान, मस्जिद के सामने मकान लेने के लिए अजान का पतन नहीं होगा, क्यों? ईमान कमजोर हो गया, सब हो गया। अलग हलग को बुलाया जा रहा है, अय्याल सरा अय्याल सरा, तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ, कौन आएगा? जिसको वो चाहेगा, जिसको खालिक और मालिक चाहेगा। अब आप हरे को लगाई जाएगी मौजूद के लिए, मस्जिद से हरे को पुकारा जाएगा, लेकिन कौन जाएगा जिसका ईमान बना होगा, जिसका आपका यकीन होगा, अल्लाह से लेने का यकीन होगा। आज अल्लाह का मतलब कि दिल का यकीन सही हो जाए और जिसम से निकलने वाले माल आप तरीके पर आ जाए कि मेरी दुनिया और आखिरत की कामयाबी हुजूर के मुबारक तरीके के अंदर। इसलिए अल्लाह ने यूं कहा, जो हमारा महबूब बनने चाहते हो तो हमारे महबूब की चाल चलो, हम तुम्हें अपना महबूब बना लेंगे। अल्लाह के महबूब कौन? हुजूर पाक, उनके हर अमल के अंदर नूर ही नूर, उनके खाने में नूर, उनके सोने में नूर, उनकी शादी में नूर, उनके गम में नूर। वो जो काम नूर के तरीके पर करेंगे उसकी नूरानी ताजी चली जाएगी, जो नूर इसको दुनिया में भी चलाएगा तो कयामत में वही नूर उसको जन्नत तक पहुंचाएगा। आप उस तरीके से नूरानी कामयाबी है, इज्जत है, बरकत है। दुनिया के जितने तरीके हैं सब मेरे दोस्तों जली रुसवा करने वाले, देखने में वक्ती तौर पर कामयाबी नजर आए, हालांकि कामयाबी का धोखा होता है। और मैं तो ये कहता हूँ मेरे दोस्तों को, जो दीनदार है वही दुनिया का मजा उठाता है, जो दीन का काम नहीं करता, दीन का नहीं करता, वो दुनिया का मजा भी नहीं उठा सकता। दुनिया दीनदार के लिए बनाई है, ईमानदारों के लिए बनाई है। एक खाना अपने हुजूर के तरीके पर खाओ, दस्तरखान बिछा कर खाओ, बैठ कर खाओ, देखो कैसा मजा आता। और एक खाना आप दुनियादारों से नहीं खाओ, आदमी खुद महसूस करेगा, खुद लज्जत महसूस करेगा। और अल्लाह के रास्ते की अजीब बाकी लज्जत होती है, अल्लाह के रास्ते की दाल जुम्मे जो मज़ा आता है घर के कौर में मज़ा नहीं आता। इसलिए जब आदमी छिले चार महीने लौटता है तब तो खाना अच्छा नहीं है, जब आदमी बैतुल्लाह की ज़ियारत करके आता है तो कई कई हफ्ते तक रात में वही घूमता रहता है, कौन नवाब कर रहा है, वहाँ घूम रहा है, तब आप घूम रहा है, क्यों? माँ का एक रूहानियत, पंखा चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, जब पंखा बंद करोगे धीरे धीरे वक्त लगेगा ना पंखों में, वो रुदानियत अल्लाह के रास्ते की दुनिया है, वो अल्लाह के रास्ते की कामयाबी है। दाल में मजा आ रहा है, घर पे चाय चले अच्छे खाने बने हो, दस्तरखान में जाओ, अभी बच्चे बैठे हो, लेकिन हाँ तो क्यों नहीं खा रहे, वो साथ में भी आ रहा है, वो कच्चा पक्का खाना याद आ रहा है, कभी पानी ज्यादा हो गया, कभी चावल कच्चे रह गए, कभी आलू कच्चे रह गए, लेकिन क्या लज्जत है खाने के अंदर, क्या ये अल्लाह के रास्ते की बरकत ले रहे थे। जब आदमी दीन के काम को अपने काम बनाएगा, अल्लाह अरब और बरकत वाली जिंदगी अल्लाह फरमाएंगे, अल्लाह किसी गैर के आगे झुकने नहीं देंगे, अल्लाह हमारी दुनिया की हर जरूरत को वक्त पूरा करेंगे, जरूरतें हमारी पूरी होंगी, हमारी पूरी होगी। हम दूसरों का काम करेंगे वो तो हमारे घर की फिक्र करेगा, लो हमारा काम करके आओ, घर भी पैसे ले जाओ और रास्ते के लिए भी पैसे ले जाओ, दुनियादार तो हमारी दुनिया की फिक्र करेगा, और जो हाकिमुल हाकीम है जिसकी सब पे चलती है, जो करीबों का करीम है, वो हमारे काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। इन चंद सुन हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम कैसे करेंगे? छोटी दुकान होगी, मुल्कों के तकाजे पूरे करो, छोटी जमीन होगी, इन बरकत के दरवाजे खोल देंगे। मसला तो हमारे हाथ में, दुनिया को अपना मसला बना रहे, नहीं, मसला आखिरत को बनाओ, जिस काम के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा है। ये उम्मत जो है पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजी गई है, इसीलिए कहते हैं ईमान वाले की मिसाल चौराहे के सिपाही की तरह, जब तक तो चौराहे का सिपाही रहेगा सवारी चलती रहेगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, वो चाहे वर्दी हो चाहे क्या वर्दी हो,
सादा आदमी खड़ा हो जाएगा कोई उसकी नहीं सुनेगा, हाँ अगर वर्दी में खड़ा होगा चाहे वो छोटे उसका हो लेकिन वो चलता रहेगा। और अगर चौराहे का सिपाही हट जाए तो ये एक्सीडेंट होने नहीं होगी, उधर से टकराएगा, उधर से टकराएगा, उधर से टकराएगा। आगे हर आदमी जल्दी में ये देखा लाइट लाल चल रही है लेकिन इसके बाद निकला भागा चला जा रहा। अबे भाई देखो गवर्नमेंट का रूल है लाल बत्ती है हरी होने जब निकलो, लेकिन नहीं इंसान जल्दी जल्दी चला आ गया, एक्सीडेंट हो जाए इसका एक्सीडेंट आज आदमी जल्दी। कई साल पहले की बात, एक नौजवान था यही का शहर से आ रहा था, नई बस्ती के फाटक से गुजरा, मेरे थोड़ा हुआ कान में लगा वो तो क्या होता है तारा लगा देते कान में ना क्या चलता रहता बंदा आराम आजकल तो उम्मत नई नई चीजें तैयार करते हैं, वो कान में लगा हुआ था अंदर जेब में पड़ा होगा जो भी कुछ चल रहा हो, अब पीछे से करें तो ट्रेन आ रही है लेकिन वो जल्दी नीचे से निकालना चाह रहा था, नीचे निकालना चाह रहा था, निकल जाए जवानी जवानी दीवानी होती है, हालांकि जवानी अल्लाह ने अपने काम के लिए रखी है, इस जवानी से हमारे काम करो, हमारे महबूब का काम करो, हमारे बंदों को हमसे मिलाओ, हमारा ताल्लुक कराओ, हमारा रास्ता दिखाओ, ये जवानी हमें पूरी दी, इसलिए तुम्हारी जवानी की हर चीज पूर्ण है, जब तुम रुकू करोगे हमारे तुम्हारी तारीफ की जाएगी, जब सजदे में कहोगे सुभान रब्बी अला हम तुम्हारे सजदे को कबूल करेंगे, हमने तुम्हें जवानी इसलिए दी है और तुम्हें बुढ़ापा इसलिए दिया जब समाज सफेद तुम्हारे बाल हो जाएंगे और हमसे कहोगे मेरे मालिक हमें तुम्हारी दुआ करने में शर्म महसूस होगी इसलिए कि तुम बुढ़ापे मेरे दोस्त बुजुर्गो इस उम्मत की खुदा की कसम जवानी भी अच्छी और बुढ़ापा भी अच्छा लेकिन शर्त ने इसका रुख सही चुनाचे वो निकले पीछे से कह रहे हैं अरे भाई क्या कर रहा है गाड़ी आ रही आवाज ही नहीं आ रही, बस जैसे निकला गाड़ी उठा के ले गई जेल खाने तक उसकी लाश के टुकड़े मिले, जब उसके टुकड़े बीन कर लाए एक कट्टे में टुकड़े रखे उसमें जलाने की नमाज पड़ी उन लोगों ने, आज भी उसका बाप होता है कि मेरे बच्चे को मेरी शक्ल भी ना मिली, यह है जिंदगी। आज आदमी ने अपनी जिंदगी को अपने हाथ पर बात कर रखा है, ये जिंदगी देखती है, ये हम अल्लाह के दिन का काम है, हम उस काम को करें जिस काम को अल्लाह के नबी लेकर आए थे, अल्लाह के नबी को कैसा हम था कभी सोचा अल्लाह के नबी हम के बाद हमें अपने मोती फुर्सत नहीं है, सबसे बड़ा काम तो ये इसका मकान क्यों अच्छा बन गया, इसका प्रमोशन क्यों हो गया, इसकी तरक्की क्यों हो गई, ये आज सबसे बड़ा काम तो उम्मत को यह है, दूसरे को कुछ नहीं देख सकता, हालांकि दूसरे को देख के आदमी खुश हो बारह करना वाला करना और बस करता। आज इंसान अपनी जिंदगी साहबा आप इस सारे जान को सारे माल को दीन पर नौछावर कर देते, यूं कहते थे अल्लाह के नबी जान भी आपकी माल भी आपकी, जहां दीन का तकाजा बंदा हाजिर है मैं जितने चार महीने का मसला नहीं, तो आपको इरशाद फरमा दे किधर जाना है, किस महाज पर जाना है, किस तरह जाना है, जहां जाते जो कहते अगर आगे भी दुनिया होगी वहां भी जाएंगे, कश्तियों को जला देते थे जानवरों के पैर काट दे क्यों वापसी का इरादा ही नहीं हो, यहाँ तो मेरे जो रिजर्वेशन करा लो ताकि दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी तैयार नहीं, फिर भी तैयार नहीं, जो मकसद दुनिया इसी दुनिया का मकसद, यकीन करना मेरे भाइयों एक मौत का झटका लगेगा दुनिया की जेब व जीनत को उठा के, मरने के बाद ना डिग्री काम आएगी ना ओहदा काम आएगा ना कुर्सी काम आएगी ना हुस्न जमाल काम आएगा ना महलात काम आएगी ना बागात काम आएंगे, वहां वो ईमान आमाल का सिक्का चलेगा, मन रब्बों का बताओ क्या लेकर आए, बहुत सीधा माफी सुदूर जो भरा होगा दिन चलेगी, क्या तैयार हमने क्या सोच रखा, दुनिया तो मिलेगी मुकद्दर चीज मिलेगी अल्लाह साफ पैदा कर देगी, अल्लाह कभी कभी तो बगैर मेहनत के दे देते हैं दुनिया मुकद्दर की जो होती है मुकद्दर में दे देते, किसी के मुकद्दर में अच्छी सवारी है लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं सारी नहीं खरीद सके, अच्छा अल्लाह ताला किसी अच्छी सवारी वाले का ड्राइवर बना देते, भाई तुम आगे बैठो मालिक तुम्हारा पीछे बैठेगा, अरे जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर जाते हैं क्या खुद गाड़ी चलाते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं, वो तो ड्राइवर चलाता है और ऑफिसर जो है मालिक जो इतना ड्राइवर घबराता है किसी से नहीं घबराता, क्यों पता लिखा ठोक दे, हम लोग भी सोच रहे क्या जा रहा है रास्ते में, भाई चाय पी लियो सो मत जाना तो सबको सुना देगा, होता है हाँ ड्राइवर तो घबराता है पीछे बैठने वाला ड्राइवर तो घबराता है, कब इसकी आँख बंद हो जाए, इसकी आँख बंद होगी सबकी बंद हो जाएगी, आज उम्मत सो गई, हमें ड्राइवर बना के भेजा था, हमें चौराहे बना के सिपाही बना कर भेजा था, जब उम्मत ने अपने काम को छोड़ दिया दुनिया में जितने एक्सीडेंट हो रहे ये ईमान वाले जिम्मेदार है और सबसे बड़े फिर जिम्मेदार हर ईमान वाला सारे इंसान का जिम्मेदार, जब जब आदमी जिम्मेदारी समझे, एक एक इंसान की जिम्मेदारी हर ईमान वाले के ऊपर है, चाहे वो जिस ऊंचे ऊंचे लेवल का हो,
हर एक से पूछा जाएगा, बताओ तुमने प्रिंसिपल कितना तुमने कहां इस्तेमाल किया दुनिया के लिए, ये बताओ उसको। हमने ओहदा दिया तुम्हें, हमने तुम्हें कुर्सी दी, हमने तुम्हें नौकरी चला दिया, हमने डिग्री दी, तुमने इसे कहां लगाया दुनिया पे? अरे इसलिए लगाया था हमारे दिन का काम करो, मुल्कों के तकाजे पूरे करो। आज सारी इंसानियत कैसी है? आज सारी इंसानियत जहन्नुम में डूबती चली जा रही है। इन्हें कौन हिदायत का रास्ता दिखाएगा? कौन इनसे सही करेगा? आज उम्मत भूल गई मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा प्रमोशन, मेरी तरह। अरे सब हो जाएगा से मिलेगा इंशाल्लाह। किसी के मुकद्दर में अच्छा मकान है लेकिन हालात ऐसे नहीं तो क्या करें? अल्लाह ताला किसी क्या कोठी वाली का रखवा देंगे। हमारी जमात वादी पे गई कई साल पहले, वादी बहुत खूबसूरत, ये दिन तो बहुत ही अच्छे होते हैं, सितंबर अक्टूबर में ठंडी बजाई, देखा अंदर ही बहुत बड़ा महल टाइप था, बड़े बड़े मकान बहुत खूबसूरत फूल और ये। जब जाके देखा एक पतला दुबला आदमी बिल्कुल काला था। अब हम कोठी दे गए रोसे दे गए, भाई उसको बड़ा मत आदमी हो गई है, हैं उसके अहबाद है। मैंने कहा अगर कहाँ गए तो बता पता लगे वो। मैंने कहा आता कि नहीं, मैं चौकीदार करता हूँ। मालिक कहाँ के? मालिक जद्दे में रहता है, साल में एक बार आता है और पूरे साल में रहता हूँ। मैंने कहा अल्लाह के निशान, कहाँ इसका घर और कहाँ वादी, ये मुकद्दर है। और फिर देखा छोटे छोटे बच्चे, रंग बिरंगे बच्चे, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ चला रहे। मैं कहिए कि साहब मैं खिलौनों के आता है, गाड़ी लेकर आता है फैमिली के साथ, साहब छोड़ जाता है, हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, मुकद्दर मिलता है इस्तेमाल। लेकिन दीन का मामला नहीं है, दीन के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, जान खपानी पड़ेगी, माल खपाना पड़ेगा, फिक्रें खपानी पड़ेगी। एक मौका है दोस्तों को, आम बंद हो जाए सब माल कराया जाएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। और अल्लाह हालात दिखा रहे, पिछले सालों में हालात उम्मत देख चुकी है कि बगैर हम तुम्हें नमाज के दफनाएंगे, बगैर पसंद के दफनाएंगे, हम तुम्हें तुम्हारी नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे। हमें समझो, हमारी कुदरत को समझो, हमारी कुदरत को देखो और हमारे नबी के काम को अपना काम बनाओ। आज इंसानियत कहाँ घूम रही है मेरे दोस्तों को? ये जिंदगी छोटी, इसको कीमती बनाए। हमारा एक काम है, हमारा एक मिशन है, हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। हम जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे फिर अल्लाह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। अच्छा वो जितना देंगे वापस कर देंगे, यकीन करना वो तो बड़े गयूर है, वो किसी का माल रखते नहीं। वो तो कहते हैं कुर्बानी, बकराई बकरा हम करते हैं, बकरा खाते हैं, पाए खाते हैं, कलेजी खाते हैं, फिर पाए खाते नहीं खाते। अल्लाह क्या करें मेरे नाम पर उसमें कुर्बानी दी, अल्लाह के पास कुछ गया हमारी नियत के लिए। अल्लाह तो यही चाहता है, हर चीज अल्लाह ने दिए, अल्लाह ही ने दिए। लेकिन जब अल्लाह के दिन हम खा दे रहे हैं अल्लाह को कैसा प्यार आएगा? जैसे बाप बच्चे के लिए डिब्बा लेकर आया है, डिब्बा मिट्टी का डिब्बा, लो बेटा हम तुम्हारे लिए मिठाई लाए हैं। अब छोटा था बच्चा, अच्छा माशाल्लाह अब्बा अब्बा, अब बाप कहेगा मोहब्बत बेटा हमें भी खिलाओ। अब वो बच्चा छोटा बच्चा अपनी छोटी छोटी उंगली तोड़ के एक बूंदी का दाना मुंह में, वो बच्चे बाप मुख है, वो कहेगा वाह 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 मेरे बेटे ने मुझे मिठाई खिला दी, मेरे अल्लाह का यही मान। अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है, हम अभी अपने अल्लाह को नहीं, अल्लाह के नबी को कैसा डर, सारी सारी रात का बयान, सारी सारी रात उम्मत के लिए रोए, इतना रोए कि अल्लाह को भी प्यार आ गया। अल्लाह ने क्या नबी जी क्या अपने को हरा करते नहीं, और बदर के मौके पे मेरे दोस्त बुजुर्गो इतना रोए साहबा कहते हैं हम तो बर्दाश्त नहीं हुआ आपका रोना, आपका बिलबिलाना, आपका तड़पना, जो उम्मत के गम में रो रहे थे और अल्लाह से मदद हासिल कर रहे थे। अल्लाह 313 है तेरे साथ की मेहनत है, अगर ये आज आज हो गए, अगर आज खत्म हो गए कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। साहबा फरमाते हैं हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अल्लाह के नबी की तकलीफ साहबा बर्दाश्त कर सकते थे? वो तो साहबा ये नहीं चाहते थे कि उनके पैर में कांटा हो और हम अपने जगह पर खुशी खुशी रहे। अल्लाह के नबी आप अपना हुक्म दीजिए, हमारी गर्दन हाजिर है, ये हम खाने के लिए पैदा हुए हैं, हमने आपके हाथ में 35 बात भी किए। अल्लाह के नबी जान आपका माल आपका, अगर आप कहें तो पहाड़ों से कूद के जान दे दे, आपके समंदर में छलांग मार दे, आप इशारा कर दीजिए। लेकिन अल्लाह के नबी तो मेरे दोस्त बुजुर्ग अल्लाह की मदद देख रहे थे, जब देख लिया आसमान से मदद मिले जाओ अपना काम करो, अल्लाह ने फतेह हासिल कर। अभी हम चाहे अल्लाह ईमान का बोल वाला कुफर का मुल्क वाला ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसा मसला होता सवाला साहबा मौजूद हैं और अल्लाह के नबी बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ के दे अल्लाह पूरी दुनिया में ईमान का बोल वाला
पार्टी होता है नहीं होता, लेकिन नहीं अल्लाह ताला ने दीन की मेहनत के जरिए हिदायत का रास्ता खोला। दुनिया दारुल अस्बाब है, हम अस्बाब इख्तियार करेंगे जब चलेगा। किसान खेत बनाएगा जब धंधा पैदा होगा, दुकानदार दुकान पे बैठेगा जब पैसा मिलेगा, सर्विस वाला महीने मेहनत करेगा जब सैलरी पाएगा। हम जब दीन का काम करेंगे, तरतीब के साथ करेंगे, मशवरे के साथ करेंगे, सही तरतीब से करेंगे, फिर अल्लाह के रास्ते की बरकतें हमें दिखाएगा। और आज दिखा रहा है, ये ऐसे नहीं बैठा हुआ मजमा, ऐसे नहीं बैठा हुआ, ये खुद नहीं बैठा, ऐसे बिठाना है। हर एक को तकाजा था चाय पीने का, जल्दी बच्चों में जाके चाय पीने, लेकिन अल्लाह ने बिठाला, बैठो, अपनी जिम्मेदारी को समझो और अपने इरादे करो, अपनी नियत करो, और पूरी दुनिया के कोने तक अपने इरादे करोगे पूरा तो हम करेंगे, हम तुम्हारी डिग्रियों को देंगे, हम तुम्हारी डिग्रियों को देंगे। बाकी सच बता रहे, इस काम लेने के बाद कैसे अल्लाह मदद पहुंचाते, अल्लाह गैर से दरवाजे खोल देते। अभी एक भंगोले का बच्चे, अभी फैजलाई में थे, अभी एक भंगोले बच्चे चार महीने घूमने कर गया, मैं मुलाकात रवानगी की बात चल रही, तो मुझसे बोला तो भाई जरा से बोला, आज का सारे अकाबरीन हमारे वहाँ पर मौजूद हैं, मौलाना अहमद लड़ साहब, मौलाना अहमद लड़ साहब की बात होगी, बोले जरा से मेरी इनसे बात करा दो, दुआ करा दो जरा, वहाँ हो गया वो, मैं उसमें कनाडा में मिलता अच्छी पर, मैंने मेरी मुलाकात करा दी, हजरत ने बड़ी दुआएं दी। तो उन्होंने कहा तुम क्या इरादे से जा रहे हो, किस नियत से जा रहे हो? हजरत आप बताइए कि ये नियत करना वहाँ जाके कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाई बनकर आया हूँ, मैं पीएचडी करने नहीं आया, माल कमान नहीं आया, मैं उनके दीन के काम के लिए सरजमीन पर ये नियत करके जाऊँ। फिर वो डॉक्टर साहब की मिसाल दी थे, नियत करवाई, बोले नियत के दरवाजे खुलते हैं भाई। इतनी देर बात ही हो रही थी, इतनी देर में दो साहब और आ गए, बैरून के थे, कहाँ गए हो?